हरे कृष्णा फ्रेंड्स, संगीत कला, ये कला श्रवण कला कहलाती है, क्योंकि इस कला का विकास करने के लिए आपको आवाज को सुनकर वो ध्वनि कंपन को सही तरह पहचान पाना इसकी जरूरत होती है। ये जो अलग अलग ध्वनि कंपन की आवाज निकलती है उसके बीच का अंतर आपको बड़ी आसानी से समझाने के लिए हारमोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये हारमोनियम देखिए, इस पर ये सारे सुर है, ध्वनि कंपन है, आवाज है। ये निचला हिस्सा, यहाँ पे मोटा आवाज निकलता है। ये जो मध्य के स्वर है, यहाँ पे थोड़े हल्के आवाज में सुर बजते हैं, और ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे पतले आवाज के सुर बजते हैं। प्लेसमेंट यानि इसकी रचना कैसी है, ये अगर हारमोनियम देखोगे तो इससे सरल तरीका और किसी इंस्ट्रूमेंट पे नहीं बता सकते। ये दो काले हैं, तीन काले हैं, दो काले हैं, तीन काले हैं, दो काले हैं, तीन काले हैं, दो काले हैं, यूं चलते रहता है। कीबोर्ड जितना बड़ा है वो ये क्रम चलते रहता है, और ये काले जो सुर हैं इसके नीचे जो हैं ये सारे सफ़ेद सुर है। तो ये काला और सफ़ेद, ये सुरों का बताने का जो तरीका हारमोनियम पर है वो किसी और इंस्ट्रूमेंट पर नहीं है। वो आप बांसुरी देखोगे या वायलिन देखोगे या सितार देखोगे या मैंडोलिन देखोगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इस तरह काले और सफ़ेद सुर नहीं बताए जाते। ये सुरों के बीच का जो अंतर है वो उसका नियम कुछ इस तरह है। ये सफ़ेद एक है और ये काली एक है। ये सफ़ेद एक और काली एक के बीच का अंतर है हाफ स्टेप। ये काली एक, ये सफ़ेद दो, इसके बीच का अंतर है हाफ स्टेप। तो ये सारे सुर हाफ 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 स्टेप्स से चढ़ते हैं या उतरते हैं। ये आप कानों से आवाज़ को ठीक तरह से पहचानने लगते हो तब स्टेज आती है। इस आवाज़ को ताल में यानि टाइम फ्रेम में कैसे फिट किया जाता है, जिसको कहते हैं रिदम, ताल। नॉर्थ इंडियन संगीत में बेसिकली रिदम जो बजाए जाते हैं वो तबले पर, ढोलक पर, और साउथ इंडियन म्यूज़िक के साथ जो रिदम पकड़ा जाता है वो बेसिकली होता है घट्टम पर या मृदुंगम पर। दुनिया की किसी भी भाषा में ये जो ध्वनि कंपन है, ये ध्वनि कंपन का डिस्टेंस, अंतर वो ही रहता है और मेजरमेंट्स वो ही रहते हैं। उसको नाम अलग अलग दिए जाते हैं, वो नाम भाषा के अनुसार होते हैं। संगीत सुरों की पहचान सही सही हो पाने के लिए, वो अपनी ब्रेन लाइब्रेरी में पक्के सेव होने के लिए हारमोनियम बजाकर उसके साथ अपनी आवाज मैच कर रियाज करना अत्यंत लाभदायक होता है। हारमोनियम पर संगीत पाठ बजाकर गाना यानी बैसाखी लेकर चलना, जब आपके सुर पक्के हो जाते हैं, वो करेक्टली ब्रेन लाइब्रेरी में सेव हो जाते हैं, तब आप ये बैसाखी छोड़ सकते हो, यानी यह हारमोनियम छोड़कर तानपुरे पे आप सुर पक्के सही लगा सकते हो। पहले के ज़माने में सिखाने का तरीका यूं था, विद्यार्थी अपने गुरु के घर पहुंचते थे, गुरुजी हारमोनियम पर वो पाठ बजाकर विद्यार्थी से गवाते थे। वहाँ गुरुजी बजाते हुए हारमोनियम के सुर सुनकर विद्यार्थी वो पाठ कर सकते थे। फिर उनसे कहा जाता था घर में जाइए और इसकी रियाज कीजिए। अब मुश्किल यहाँ शुरू होती है,
कई विद्यार्थियों के पास हारमोनियम रहती नहीं थी, और जिनके पास हारमोनियम थी वो जिस रफ्तार से गुरुजी, जिस सफाई से गुरुजी बजा करके वो पाठ की रियाज करवा रहे हैं, उस सफाई से, उस रफ्तार से घर में ये विद्यार्थी रियाज कर नहीं पाते थे। इसका मतलब वो गुरुजी के सामने बैठकर की हुई रियाज ही सही रियाज हुआ करती थी, और इसीलिए ये इतने साल लगते थे संगीत में प्रवीण होने के लिए। आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं। मैं ये सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं टेक से भी हूँ, मैं सारे प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस कैसे यूज करते हैं, इनको कैसे संगीत एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब ठीक तरह से सोच कर, अप्लाई कर कर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वीडियोस हैं। इन वीडियोस पर आप, मैंने आपको ऑनलाइन पाठ जो बताया है, या आप मेरे सामने बैठकर मेरे से वो पाठ आपने सीखा है, उसकी रियाज आप, मैं आपको जो उस पाठ की लिंक देता हूँ वो लिंक चलाकर, वीडियो ओपन कर उसके साथ आप हर एक पाठ 30 बार रियाज कर सकते हो। ऐसे मैं आपसे 3 दिन एक पाठ की रियाज करवाता हूँ, जिससे आप उस पाठ को 90 बार अलग अलग रफ्तारों में करते हो। इस मेथड से आप में प्रगति काफी तेज नजर आती है, आप खुद बहुत आनंद पाते हो, आप खुद को ही इम्प्रूवमेंट्स नजर आने लगती हैं, और आप और ज्यादा रियाज करने लगते हो।